स्टूडेंट्स, अगर ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है GFR वो कम होगा। उस दौरान किडनी क्या कर रही है, रेनिन सिक्रेट कर रही है, रेनिन लीवर में से आया हुआ एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनो 1 में कन्वर्ट कर रहा है और एंजियोटेंसिन 1 है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। एंजियोटेंसिन 2 है वो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और PCT में से रीअब्सॉर्प्शन करवाता है वाटर एंड NaCl का जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। साइमल्टेनियसली ये एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर आया हुआ है वहां से एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाता है और एल्डोस्टेरोन DCT में से ज्यादा Na+ एंड वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करवाता है। इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और जो GFR कम हो गया था वो GFR मेंटेन होगा।